सौरश्रस क्लासेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, ये किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में आ जाता है और इसके दो वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अब इन जनरली डिमांड एनालिसिस में हम लोग यही अजम्पशन कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए वो दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड या कंजम्पशन के ऊपर आधारित नहीं है। दैट इज एक कमोडिटी का कंजम्पशन या डिमांड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी। तो इसी के चलते एक कॉमन सा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं कि हम लोग कभी भी जो मार्केट डिमांड है वो आसानी से हर एक इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करने से ही नहीं मिल पाता। अब इन रियल लाइफ अगर हम लोग देखें तो ये अक्सर हम लोग को दिखाई देता है कि ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस है जहाँ पे एक चीज़ का कंजम्पशन या डिमांड दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है या डिपेंड करता है। अभी ये जो कमोडिटीज़ है जिनका यूटिलिटी या कंजम्पशन दूसरे किसी डिमांड के ऊपर, दूसरे किसी गुड के डिमांड के ऊपर अगर डिपेंड करे या कितने कंज्यूमर्स उसको खरीद रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर डिपेंड करे तो आता है हम लोग के पास नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। अब नेटवर्क एक्सटर्नलिटी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के अंदर आएगा जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बैंडवैगन इफेक्ट हम लोग इसको कहते हैं। एंड नेगेटिव के अंदर आता है स्नोब इफेक्ट। तो नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, इसमें एक इंडिविजुअल का यूटिलिटी तभी बढ़ता है या इंडिविजुअल का जो यूटिलिटी है वो डिपेंड कर जाता है कि कितने अन्य कंज्यूमर्स उस चीज़ को खरीद रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंडवैगन इफेक्ट से। ये आता है फ्रॉम द पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। अब बैंडवैगन इफेक्ट क्या है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक कमोडिटी है उसको कंज्यूम करने के लिए तो दूसरे जो कंज्यूमर्स है वो ये हमेशा देखते रहते हैं कि कितने अन्य कंज्यूमर्स उस चीज़ को खरीद रहे हैं। और जितने ही एक कंज्यूमर अगर नोटिस करता है कि दूसरे कंज्यूमर्स उसको ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहे हैं तभी वो एक गुड का डिमांड बढ़ जाता है। हम लोग एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे बैंडवैगन इफेक्ट। ये हमारा गुड एक्स है क्वांटिटी और ये हमारा वाई है। अब हम लोग सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि 10,000 कंज्यूमर्स एक गुड को कंज्यूम कर रहे हैं इन अ कंट्री लाइक दिल्ली, इन अ स्टेट लाइक दिल्ली। तो कंपेयर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली ये बहुत ही छोटा नंबर है। तो इसके वजह से कभी भी बैंडवैगन इफेक्ट के अंदर डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो डिमांड है, अब ये तो फिर D10 ये डिमांड कर्व कब आएगा। अगर लोगों को लगता है कि वहाँ पे 20,000 पीपल आर आल्सो बाइंग दैट सेम प्रोडक्ट, अगर ये लोग सोच लेते हैं तो उसके चलते जो डिमांड है, जो गुड है उसका, वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है कंज्यूमर्स की तरफ। और अट्रैक्टिव होने की वजह से लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग वो चीज़ को ग्रैब करें। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ये कह सकते हैं लेट द गुड बी स्टाइल और फैशन। तो हम लोग स्टाइल या फैशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग हमेशा ही फैशन या स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। तो अभी ये हो गया कि 10,000 लोग एक चीज़ को खरीद रहे हैं विच इज़ नॉट मच कंपेयर टू दिल्ली का पॉपुलेशन। तो उसकी वजह से कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे स्टाइल के लिए डिमांड। अब अगर माना जाए कि 20,000 पीपल है, मान लेते हैं कि 20,000 पीपल खरीद रहे हैं तो वो स्टाइल का जो
जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ा दिया, तो उसके चलते कंज्यूमर्स विल डिमांड मोर। तो डिमांड मोर की वजह से द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम D10 टू D20। और चलिए मान लेते हैं ये है मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज अ प्राइस, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 10,000 यूनिट्स ही खरीद रहे हैं और 20,000 जो कंज्यूमर्स है वो लोग 20,000 यूनिट्स ऑफ स्टाइल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इन द सेम वे अगर ये भी मान लिया जाए कि 30,000 पीपल आर बाइंग द स्टाइल प्रोडक्ट, तो उसके चलते वो जो स्टाइल प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा कंज्यूमर्स की तरफ, और उसके वजह से डिमांड कर्व और राइटवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि डिमांड बढ़ता जा रहा है। सो डिमांड शिफ्ट फ्रॉम D20 टू D30। अब मान लेते हैं दिस इज 30,000 क्वांटिटी जीरो खरीद रहे हैं। इन द सेम वे हम लोग D40 भी ऑप्टेन कर सकते हैं अगर ये सोचा जाए कि देयर आर 40,000 पीपल जो ये स्टाइल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं एंड द प्रोडक्ट बिकम मोर अट्रैक्टिव टू देम, हेंस द डिमांड फर्दर इंक्रीजेस। ये डिमांड इंक्रीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ डायनामिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया लोग सिर्फ तभी कंज्यूम करेंगे जब अन्य लोग भी इसको कंज्यूम करना चाहेंगे, और नंबर्स भी ज़्यादा अगर बढ़ जाए कंज्यूमर्स का तभी भी डिमांड शिफ्ट होगा। तो अभी अगर हम लोग ये जो सारे पॉइंट्स है अगर हम लोग इसको नाम देते ABCD एट डिफरेंट प्राइसेस दे आर बाइंग, एट डिफरेंट प्राइसेस दिस पीपल आर बाइंग, तो इसके चलते प्राइस लेवल में भी थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा क्योंकि डिमांड बढ़ता जा रहा है, डिमांड पर भी शिफ्टिंग। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ये जो सारे पॉइंट्स है इनको अगर ज्वाइन कर दे तो हम लोगों को जो डिमांड कर्व मिलेगा दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व अंडर डैनबैक इफेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि जो डैनबैक डिमांड कर्व है ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है कंपेयर टू पहले का जो हमारे पास डिमांड कर्व्स थे, और ये डैनबैक इफेक्ट को हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट और बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए भी यही बैंडवैगन इफेक्ट चूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्नोब इफेक्ट, जो रिलेटेड है पॉजिटिव साइड ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव स्नोब इफेक्ट में हम लोग ये जानते हैं कि एक कंज्यूमर एक गुड के प्रति तभी बढ़ेगा खरीदने के लिए अगर उसका जो यूटिलिटी है वो बहुत ही उसको अगर यूनिक कंजम्पशन ऑफ अ गुड करने से अगर उसका बढ़ जाता है तब। सो यहाँ पे आता है यूनिक कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब ये यूनिक मतलब होता है यहाँ पे जो यूटिलिटी द इंडिविजुअल इज ऑब्टेनिंग दैट इज प्रेस्टिजियस यूटिलिटी इज अचीविंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं रेयर आर्ट प्रोडक्ट्स, लग्जरी कार्स और डिजाइन ड्रेसेस एज वेल। सो ये सब आता है स्नोब इफेक्ट की तरफ अंडर, और स्नोब इफेक्ट हमेशा तभी काम करेगा जब द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर वेरी लेस। अगर ये प्रोडक्ट अगर कॉमन हो जाए या मास प्रोडक्ट हो जाए तो स्नोब इफेक्ट के अंदर वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाएगा। इसको भी हम लोग डायग्राम के साथ दिखा सकते हैं।
यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग गुड एक्स और वाई नॉर्मली ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस. ये हो गया हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड लेट दिस बी पॉइंट डी. तो हम लोग पहले शुरू करेंगे ये जो स्टार्टिंग जो डिमांड कर रहे हैं हमारे पास दैट इज डी वन. सो डी वन एज्यूम एज रेलेवेंट डिमांड कर. अभी डी वन अमाउंट ऑफ कमोडिटी डिमांड किया जा रहा है इन द मार्केट. और अगर ऐसा हो मगर स्नॉब इफेक्ट जैसे कि मैंने पहले बताया स्नॉब इफेक्ट के चलते वो गुड ज्यादा लोग अगर खरीद रहे हैं तो जो कंज्यूमर एक्चुअली खरीदना चाहता है वो नहीं खरीदेगा. तो उसके चलते स्नॉब इफेक्ट लोअर द डिमांड फॉर द गुड. स्नॉब इफेक्ट लोअर्स द डिमांड ऑफ द गुड. That is why demand curve from D1 shifts downward to D2. अब D2 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे equilibrium है at point B with a bit of higher number of quantities and reduced price. अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर डिमांड फॉर द गुड इज इंक्रीजिंग अगेन तो फिर से स्नॉब इफेक्ट के चलते एक्चुअल डिमांड फिर से फॉल करने लगेगा क्योंकि द यूटिलिटी जो है जो मिल रहा है लोगों को वो फुलफिल नहीं हो रहा है. सो इसी तरीके से हम लोगों को इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिलेंगे ए बी सी एंड ई. अगर इन सब पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करें तो हम लोगों को मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा फॉर द स्नॉब इफेक्ट. और एक चीज स्नॉब इफेक्ट के चलते द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक कंपेयर टू द अदर रेलेवेंट डिमांड कर्व्स. सो स्नॉब इफेक्ट डिमांड कर्व इज लेस इलास्टिक. यही था मेन डिफरेंस बिटवीन बैंगबैंग इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नलिटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन ऑलवेज रीच अस. थैंक यू.